विधानसभा रामपुर कारखाना के कोटवा में प्रोजेक्ट लगाकर मोदी का संबोधन जन जन को सुनाया गया। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां विधानसभा रामपुर कारखाना क्षेत्र के कोटवा चौराहे पर भाजपाइयों द्वारा प्रोजेक्ट टीवी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जन जन को सुनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता मुक्तिनाथ त्रिपाठी ने किया। भाजपा नेता मुक्तिनाथ त्रिपाठी ने बताया कि हमारा प्रोजेक्ट लगाने का उद्देश्य लोगों को विकास के लिए जागरूक करना है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केंद्र और राज्य की सरकार एक एक उपलब्धियां गिनाता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास का कार्य किया वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ देवरिया ब्यूरो रवि प्रकाश की रिपोर्ट। काकी आती है वो माँ गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अगर हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे। नेताजी, इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, इस संबोधन से क्या मतलब सुनेंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट जो पूरे वाराणसी में जो है मोदी जी ने किया, इसका आज जो उद्घाटन किया गया है, इसमें आप जानते हैं कि बनारस की स्थिति इसके पूर्व क्या थी। बनारस स्वतंत्रता के पहले से और आज तक की जो स्थितियां हैं उसमें जो है बनारस एक सकरी गली के नाम से ही जाना जाता था, जिसकी पूरी एरिया, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पूरी एरिया 3000 वर्ग मीटर की थी, जो आज बढ़कर 5000 वर्ग मीटर जो है उसकी पूरी एरिया हो। कुछ लोगों का मानना है कि विकास काफी कम हो रहा है, इस समय विकास सरकार में काफी कम हुआ है। देखिए, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज देना, एम्स खोलना, ये विकास नहीं तो क्या है? बड़ी बड़ी सड़कें जितनी हैं, सारी सड़कें बन रही हैं, इसको भी विकास नहीं मानेंगे? यही विकास है। साथ साथ देहातों में उठाकर देखिए, जिन गरीबों के पास मकान नहीं था उन गरीबों को पक्की मकान दी जा रही है, विकास नहीं है ये? यही विकास है। लोगों का मानना है कि महंगाई भी काफी बढ़ गई है सरकार में। महंगाई के बारे में मैंने आपसे बताया अभी कि जो है महंगाई बहुत नहीं है, अगर परसेंटेज में उठाकर देखा जाए तो उस हिसाब से महंगाई नहीं है कितना लोग बोल रहे हैं। दूसरी स्थिति ये है कि गरीबों के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक योजना चालू किया है जो फ्री अन्न जिनको दिया जा रहा है, फ्री में हर यूनिट पर 10 किलो अन्न अभी सरकार देना। यह जो है अभी आपके मार्च तक चलेगा।